हसदेव अरण्य में कोयला खनन के खिलाफ देश भर के 15 से अधिक जन संगठन एकजुट हुए हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर ने गुरुवार को रायपुर में कहा, हसदेव क्षेत्र में आदिवासी खदान परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उस खदान से पर्यावरण का विनाश संभावित है। ऐसे में सरकारें अपने ही वन और पंचायतों से जुड़े कानूनों का सम्मान करें, वहां खनन का आदेश निरस्त हो। खनन प्रभावित हरिहरपुर में धरना दे रहे ग्रामीणों से मिलकर रायपुर लौटी मेधा पाटकर ने कहा, जल जंगल जमीन अमूल्य है, इसे पैसे से मत तोलो। वहां दलाल खड़े मत करो। आंदोलनकारियों को बदनाम मत करो। यह रास्ता लंबा चलता नहीं है। यह नियमगिरी रायगढ़ से छिंदवाड़ा तक बार बार देखा गया है। मेधा ने कहा, ऐसे खनन को कैसे मंजूर किया जा सकता है जिससे प्रकृति आधारित जीवन निर्वाह करने वाले आदिवासी समुदाय का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। उन्होंने कहा, कांग्रेस के ही शासनकाल में जनपक्षीय कानून पैसा वनाधिकार मान्यता कानून और भूमि अधिग्रहण का नया कानून बना। उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कांग्रेस सरकारें भी इन कानूनों का पालन सुनिश्चित करेगी। तो नहीं हो रहा है संकट की बात और चर्चा और प्रचार। आज हसदेव अरण्य को ग्राम सभा उनके सही जो प्रस्ताव है उसकी मान्यता लेकर और उस वन को बचाना जीवन बचाने के लिए जरूरी है ये मानकर खारिज करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो आकर आश्वासन दिया वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तहत दिया। तो बघेल जी जो नरवा गरवा गुरुवा भाड़ी की बात करते रहे जिसका हमने स्वागत किया था, वो नरवा गरवा गुरुवा भाड़ी नष्ट करने वाली योजना आगे न बढ़ाए। अडानी 4000 किलो प्रति किलोग्राम 4000 कैलोरी इस दर्जे का ही कोयला होना चाहिए। इस प्रकार का जो एक कट ऑफ लगाया है उससे भी बहुत ज्यादा कमाई कर रहा है। कोल इंडिया से महंगा बेच रहा है अपना कोयला राजस्थान को। मुझे लगता है ये सभी चीजें अंतरराज्य स्तर पर एकत्रित होकर जो संबंधित पार्टीज है उन्होंने तय करना चाहिए। सभी दलों के प्रमुखों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है, आप लोग तैयार? हम तैयार है ये बताया है, अभी आमंत्रित नहीं किया है, पर वो कोई भी कर सकता है। उनमें जो विकास के प्रति संवेदना रखने वाले हैं और विनाश के खिलाफ है वो निश्चित रूप से ऐसा आयोजन कर सकते हैं। नहीं तो हमारे जन आंदोलनों के सभी साथियों को भी हम सुझा रहे हैं कि सभी सर्वत्र से निर्णय हो तो विकास के अवधारणा पर चर्चा होना तत्काल जरूरी है। और कंपनीकरण प्राकृतिक संसाधनों के वस्तुकरण का आधार बनता है। किसान आंदोलन ने संयुक्त किसान मोर्चा के भी हम सब लोग साथी और समर्थक रहे हैं, उसने इस पर भूमिका लेनी है, ली है कि कॉरपोरेटीकरण नहीं चलेगा क्योंकि इसी से अडानी 1000 करोड़ रुपए रोज की कमाई करते हैं, मुकेश अंबानी करते हैं, तो ये आगे नहीं बढ़ने देते। सही टैक्स लगाओ, खजाना भरो, शराब के व्यापार से मत भरो, ये हमारा कहना है। और ये जल जंगल जमीन अमूल्य है, इसको पैसे में मत गिनो, दलाल खड़े मत करो, आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं को बदनाम मत करो। ये रास्ता ज्यादा लंबा चलता नहीं है, बहुत जगह पे ये साबित करके दिखाया है। ओडिशा के नियमगिरी से लेकर छिंदवाड़ा के अडानी और अंबानी के खिलाफ महाराष्ट्र में हुई संघर्ष, मुझे लगता है कि आप सब लोग सही माध्यमकर्ता पारदर्शी सत्यवादी बने। हम मोदी गोदी इसकी चर्चा नहीं कर रहे, पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि हमको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की बहुत जरूरी है। हिम्मत से लड़ो। 2005 में ये जो बघेल जी की सरकार यहाँ पर बनी है उन्होंने ही जो कानून बनाया था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जिसमें ये बताया गया था कि आदिवासियों पर परंपरागत ऐतिहासिक अन्याय हुआ है और उसको पलटने के लिए हमें कानून लेके आ रहे हैं। इस मंशा को देखते हुए जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लाया गया है उसी का पूरा हनन हसदेव के पूरे इसमें हो रहा है। आदिवासियों के ऊपर उनके पैसा कानून होते हुए भी उनकी ग्राम सभा को फर्जी डॉक्यूमेंट जोड़ के उनके हाथ से उनके अधिकार छीनने का जिस प्रकार से कोशिश की जा रही है, तो केंद्र की सरकार तो है ही है पूंजीपतियों के साथ, अदानी के साथ पूरी तरह से है, अंबानी के साथ पूरी तरह से है, पर राज्य की सरकार भी उनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर जिस प्रकार से ये हनन कर रही है, ये जिस प्रकार से आदिवासी और जंगल का नुकसान जिस प्रकार से कर रही है ये बहुत ही दुखद है। और राज्य सरकार को इसमें समझना चाहिए और तुरंत उनको उनकी अधिकार ग्राम सभा का जो अधिकार है उसको देना चाहिए
उनकी मांग को समझते हुए, पैसा एक्ट को समझते हुए और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को ध्यान में रखते हुए हसदेव में जिस प्रकार से गैर कानूनी कृत्य चल रहे हैं, एक तरफ अदानी और उसके दलाल खड़े हो रहे हैं और दूसरी तरफ बघेल जी की सरकार भी पुलिस सामने लाकर जिस प्रकार से दमन कर रही है वो बहुत ही निषेधार्य है। ये तुरंत रोका जाए और इन लोगों को न्याय दिया जाए, अन्यथा भूमि अधिकार आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति इस पूरे आंदोलन के साथ खड़ी रहेगी और यह आंदोलन सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही नहीं तो पूरे देश का आंदोलन बन जाएगा। वहां के आदिवासी लगातार महीनों से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। हम लोग पूरे देश के 15 राज्यों के साथ ही कल उस धरना स्थल पर समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। धरना स्थल पर जाने के बाद हम लोगों ने वहां के जंगल, वहां की प्रकृति, वहां के संस्कृति को देखने का काम किया और हमने पाया कि पूरे देश में जिस तरह से जल, जंगल, जमीन, पानी, पर्यावरण की लूट का जो एक कुचक्र चल रहा है उसका एक दूसरा उदाहरण हसदेव है। हम आपको बताना चाहते हैं कि देश में जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों की संस्कृति को बचाने की जो लड़ाई है पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर जो जन संघर्षों की जीत हुई है हम सब लोग उनके साथ हैं और अगर सरकार अपने निर्णय से पीछे नहीं हटेगी तो पूरे देश के जनतांत्रिक आंदोलनों के साथ ही हसदेव के साथियों के साथ पूरे देश में इस आंदोलन को आगे ले जाने का काम करेंगे। थैंक यू। छत्तीसगढ़ के अंदर पर्यावरण को बचाने का हसदेव बचाओ छत्तीसगढ़ बचाओ या हसदेव बचाओ देश बचाओ या हसदेव बचाओ अडानी भगाओ ये आज नारे पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर गूंज रहे हैं और उनके साथ आवाज के साथ आवाज मिलाने के लिए हम 15 राज्यों के जो जनसंगठन भूमि अधिकार आंदोलन के साथ में जुड़े हुए हैं हम सब लोग यहाँ पर आए थे। हमने सम्मेलन किया और उसके बाद में वहां पर गए। मैं इसके बारे में केवल इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पाचीमाड़ा में केरल के अंदर एक ग्राम सभा ने लड़ करके कोका कोला जैसी कंपनी को वहां से भगाया था, जिस तरीके से नियमगिरी के अंदर वहां की ग्राम सभाओं ने मिलकर के वेदांता को भगाया था, उसी तरीके से यहाँ की जो ग्राम सभाएं हैं वो संकल्पित दिखलाई देती हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राम सभा के फर्जी प्रस्ताव बनाए गए हैं, जालसाजी की गई है, उसकी जांच अभी तक नहीं हो रही है। हम ये मांग करते हैं कि इन ग्राम सभाओं ने जो निर्णय किया है या उन्होंने इसके खिलाफ के अंदर जो आवाज उठाई है उसका सम्मान जो भूपेश बघेल जी की सरकार है उसके द्वारा किया जाना चाहिए। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.